अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और लाजवाब सी रेसिपी। ये है आलू पालक। बहुत इजी रेसिपी है, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गर्म कर लिया है और उसमें मैं 1 टीस्पून साबुत जीरा और 3 सूखी लाल मिर्च डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 पिंच जितना हींग डाल दूँगी, ये देखिए। उसके डालने के बाद 6 से 7 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है वो मैंने बारीक कर लिया था, इन दोनों को भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। और ये डालने के बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए बस चला लूँगी, ये देखिए अभी फ्लेम भी हमारी फुल है। उसके बाद मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी। आलू को मैंने इस तरीके से काट लिया है, थोड़ा मोटा मोटा काटना है, ये देखिए। ये 4 मीडियम साइज़ के आलू थे तो मैंने डाल दिए इसके अंदर। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से आलू को फ्राई कर लूँगी, ये देखिए। आलू देखिए बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ पालक ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने बारीक काट लिया है पालक को, और ये 1.5 किलो पालक था। इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है पालक को, और फिर इसके बाद हम सारा पालक इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऊपर नीचे बहुत अच्छी तरीके से मिला लेना है पालक को, ये देखिए। और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये बहुत ही यम बनती है और बहुत ही इजी वे में बन जाती है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया पालक को। मिक्स करते करते ही पालक थोड़ा कम हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने किचन किंग डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दिया, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल मिर्च को मिक्स कर दिया था। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, ये भी हम इसके अंदर डाल दिया है। और ये 5 से 6 हरी मिर्चें बीच में से कटी हुई। अब ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डलता है। अगर आप आलू को फ्राई कर लेंगे जैसे मैंने किया है, तो उसके बाद इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डलेगा। जो पालक का जो मॉइस्चर, टमाटर का जो पानी रहेगा, वो सारा चीज़ जो है इसी में ही पक जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग पानी डाल देंगे, जो पालक है वो पानी नहीं सोखता है, उसमें खुद इतना पानी होता है, तो उसी के पानी में पक जाएगा टमाटर और पालक के। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ऑयल धीरे धीरे ऊपर आने लगा है, तो मैं इसे ढक के पका लूँगी 15 मिनट के लिए। ये देखिए 15 मिनट हो चुका है, अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और बहुत ही लाजवाब सी, बहुत इजी रेसिपी है। ये देखिए इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी दिख रहा है, बाकी ऑयल है, तो जितना पानी दिख रहा है ना हम उसको भी जला लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने भून लिया है, इसमें जितना जो दिख रहा है आपको साइड में सारा ऑयल है। तो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ईजी सी रेसिपी बन के रेडी है। देखिए अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए ज़बरदस्त और लाजवाब सा आलू पालक बनके रेडी है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लीजिए, और अगली रेसिपी मिलती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।